नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के गाड़ियों के मामले में, सवारियों के मामले में, सामान के मामले में। अब आप सोचोगे यार हमारे तो काम की चीज़ नहीं है। जी हाँ, ये उन लोगों के लिए खास तौर से ध्यान रखने की बातें हैं जो दुबई में ड्राइवरी का जॉब करते हैं। जी हाँ, दो अपडेट बताएंगे कि भाई आप ड्राइवरी करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, वरना इतना फाइन पड़ेगा कि आप चुका नहीं पाओगे। समझ गए बात को? दूसरी बात, आप अपनी कार की चाबी किसी ऐरे गेरे को न दें जिनके पास खास तौर से लाइसेंस नहीं हो। दोनों टॉपिक पे विस्तार से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अक्सर दुबई में एक देखा होगा एक सिस्टम है कि भाई जैसे मेरे पास कार है और मैं लेके जा रहा हूँ, बीच में दो चार मुझे बंदे मिल गए, मैंने बिठा लिए। कुछ लोग तो पैसा ले लेते हैं सवारी के तौर पर, कुछ लोग ऐसे ही बिठा लेते हैं। तो बता दूं, ये खास तौर से कॉमर्शियल गाड़ियां वगैरह इस तरह का होता है ना, जो पर्सनल होती हैं गाड़ियां, उसमें सवारी बिठा कर उनको लेके जाना और उनसे सवारी के पैसे ले लेना, ये बिल्कुल गलत है दुबई में। जी हाँ, खास तौर से दुबई में। दुबई के जो बता दूं शेख बिन राशिद अल मक्तूम, जी हाँ, उन्होंने एक आदेश जारी किया भाई 2021 एक्ट में। बता दूं, उसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि कोई भी ड्राइवर अपनी गाड़ी से वो अपना दूसरे का सामान नहीं डाल सकते। जी हाँ, और आप अपनी गाड़ी में कॉमर्शियल सामान नहीं डाल सकते। और जो लोग गाड़ी लेके सवारी जो गाड़ी लेके रास्ते में सवारी बिठा लेते हैं, ऐसे ही बिना टैक्सी वाले जो होते हैं वो सवारी नहीं बिठा सकते भाई। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बिठाते हुए मिल गए, हालांकि ये कानून पहले भी था, पहले जुर्माना 20,000 दराम था, जिसको 2021 की जो कार्यकारिणी परिषद है एक्ट 20 में इसको प्रावधान को बढ़ा दिया गया है। अब आप सामान ढोते हुए पकड़े जाते हैं इलीगल तरीके से, तो उसकी कार्रवाई होगी, 50,000 दुबई दराम जुर्माना लगेगा। सेकंड में अगर बात करें, सवारी आप इलीगल तरीके से बिठाते हैं अपनी गाड़ी में, तो 30,000 दुबई दराम जुर्माना भरने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जी हाँ, और ये किस तरह से कहाँ आप चपेट में आओगे भाई, कोई पता नहीं लगेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात अपने कर लेते हैं कि भाई बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर हैं। अब मैं मेरे पास जैसे गाड़ी है, मेरे साथ वाले हैं या जानकार है, दोस्त रिश्तेदार मिल ही जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, या तेरी गाड़ी देना मैं इधर जाके आता हूँ। अब बंदा मना नहीं कर सकता, गाड़ी की चाबी दे देता है, उसके पास लाइसेंस नहीं है। अगर वो जे लेके जा रहा है और उसने ठोक दिया तो भाई क्या होगा आप सोचिए, क्योंकि ऐसे दो चार केस हो चुके हैं। इसलिए दुबई में जो टैक्सी ड्राइवर मालिक हैं उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया है, क्योंकि गाड़ियों के मालिक तो वो हैं, आप तो सिर्फ ड्राइवरी वहाँ पर करते हैं। समझ गए? तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अपनी गाड़ी की चाबी उन लोगों को खास तौर से न दें जिनके पास लाइसेंस नहीं है, और लाइसेंस है तो भी भाई आपकी गाड़ी आपकी है, दूसरे को न दें। अगर कुछ प्रॉब्लम कल को हो जाती है तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, उसमें भारी जुर्माना जेल भी करने का अभी कानून हालांकि बना नहीं है, सिर्फ ये एक सजेशन दिया गया है लोगों को खास तौर से कि ये गलती ना करें। अगर करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ में एक्शन लिया जा सकता है। तो इन चीज़ों को आपको दोनों चीज़ों को सावधानी रखने की ज़रूरत है, वरना भाई दुबई का फाइन आपको पता है इतना पड़ता है कि चुकाया नहीं जाता आदमी से। आई होप ये वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।